एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं मीम दैट मोदी जी वॉचेस विद ध्रुव। और ये वीडियो है पर मीम पुस्तक, तो टाइटल पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस बारे में एंड ऑल। ओके, सो लेट्स सी हाउ द मीम बाय मीम पुस्तक आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हे दोस्तों, क्या हाल चाल? आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, प्लीज इसे सीरियसली मत लेना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बताओ, स्कूल में बाल कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए? नहीं कटवाने चाहिए। और क्यों नहीं कटवाने चाहिए बताओ? क्योंकि हम हैंडसम दिखते हैं उससे। हैंडसम शकल देखिए, हैंडसम दिखाइए, दांत दिखाना, दांत दिखाना हैंडसम अपने। आपको ये बात कोई बताएगा नहीं कि इन प्यारे से भैया का ताजा मक्खन चख के मुझे बहुत मजा आया। ये भैया सुबह सुबह 5 बजे उठकर अपना ये ताजा मक्खन एकदम फ्रेश निकालते हैं अपने हाथों से, फिर उसके बाद उसे ब्रेड पे लगाकर देते हैं, लोगों को खिलाते हैं। और जो कुछ इनका मक्खन बच जाता है उसकी शिकंजी या लस्सी भी बनाकर देते हैं। ये मक्खन सुबह सुबह थोड़ा ही निकलता है क्योंकि एकदम फ्रेश होता है। अगर आपको खाना है तो क्या बोल रहे हो? आप तो जानते हो, बचपन सबको बहुत याद आता है। मेरी भी कुछ बचपन की यादें हैं, तो आज मैं आप लोगों को अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई, मैं कितना शरारती था यार। मेरे पापा सही कहते थे, मैं ना कहीं एक जगह बैठता ही नहीं था, इधर से उधर होते रहता था, बहुत उधम मचाता था मैं। भाई मैंने कप्तानी छोड़ दी है, नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट भी छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं बड़े भाई, आप आईपीएल मत छोड़ो, आप तो आईपीएल का दिल हो बड़े भाई। बस ये कप्तानी छोड़ने का प्रोसीजर क्या है ये मुझे बता दो। नहीं नहीं नहीं, तू कप्तानी मत छोड़। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। तुझे खुद निकाल देंगे। सारी उम्र में जो कई जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस। ओए ये रात तो गेम बजा। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख क्या कर रहे हैं यार, बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। पूरे उतार के देख रहे हो? वाह भाई, ये तो पहली बात है। तू ये छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू इंश्योरेंस वाला कैसे ही क्लेम करेगा भाई, यार इंश्योरेंस भी नहीं देगा बंदा। तुलसीदास खान तुलसीदास खान क्या तुलसीदास खान ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? बिरयानी खा रहा है क्या? क्या ये भी कर रही है? बहुत सही, वो भी कश्मीर में। सलमान क्या था ये? नहीं ओ माय गॉड, ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है जेठालाल चंपकलाल गडा, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। सुन, आज से तेरे को मैं रोज बिस्कुट खिलाऊंगा और तू मेरे पे भौकेगा नहीं, ठीक? डील डन। बहुत
kill that. Hey Rishabh. हाँ क्या कर रहा है? फील्डिंग. बैट किसका है? मेरा. तो फील्डिंग क्यों कर रहा है? हाँ. बैटिंग करो. तेंदुलकर बनने का कैप नहीं बनने का, समझा ना? जा. मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ. आमिर स्ट्राइक पे है, बाउंसर, और क्या ये बाहरी किनारा लगा है? ओए हाँ, ऐसा लग रहा है कि विकेट होगी. मेरे को समझा ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं, तो आप कह रहे हो मुझमें है क्या? कौन से हाथ से बॉक्सिंग करते हो? मैं तो राइट हैंड से करता हूँ, पर अगर बहुत टाइम राइट हैंड से गया तो मजा नहीं आता है, फिर लेफ्ट से भी कर लेने जाता हूँ. ओके, तो लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से एक आध बार, बट मोस्टली लेफ्ट से ना बॉक्सिंग में भी बहुत फास्ट होता है. हाँ, लेफ्ट से तो मेरे ख्याल से उसमें उल्टा होता होगा ना. लेफ्ट मतलब लेफ्ट में तो मेरे को टाइम लगता है, आई थिंक यू नो, बहुत इट टेक्स मी मोर टाइम देन माय राइट. राइट मेरा फास्ट होता है, राइट में जो है पावर नहीं है, बचपन से राइट से कर रहा हूं तो इट्स लाइक यूज्ड टू इट. तो मेरे में है क्या वो? यूके भाई, ये थगेज लोग मुझे पूछते हैं मैं मार्वल का फैन हूं कि डीसी का. मैं बोलता हूं डीसी का फैन. पूछो क्यों? क्यों? पिछले एपिसोड में हरियाणा का बैटमैन आया था, ये एपिसोड में जोकर. सारी उम्र में जोकर दबड़े आए तेरे पीछे ए जिंदगी सरकस. यार ये कितना ट्रू है, कबीरदार यार. ओके, नॉट बैड. आपकी बारी. आपको पता है थकेश भाई, मैं अभी बिग बॉस सीजन 17 में हो गया हूँ. पता है? एंड आपको पता है कि बिग बॉस में लोगों को केवल दो ही कारणों की वजह से बुलाया जाता है. क्या? कौन से? पहला, या तो वो फेमस हो, दूसरा या वो एंटरटेनिंग हो. दिख रहा है अभी तक आपको क्यों नहीं अप्रोच किया गया है. वही तो. जोकर जोक मार रहे हैं. मुझे भी सेम ही फील हुआ जब देखा एपिसोड. हाँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मीम पूछता कि आज थोड़े मीम मुझे समझ में नहीं आए. सच्ची में वो वाला कौन सा था, वो जो क्रिकेट खेल रहे थे लास्ट वाला, वो समझ में नहीं आया मुझे. कोई समझा दो यार, व्हाई मेरा सार्कास्म लेवल थोड़ा डाउन हो चुका है, या मीम पूछता बहुत ज्यादा सार्केस्टिक मीम्स बना रहा है. ये इन दोनों में से कुछ एक होगा. एंड मेरे को क्यों समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे ठीक है वही वही. मतलब अगर आप लोगों को समझ में आया तो बता दो. वो तीन चार छोड़ के ना, बाकी सारे मीम्स बहुत बढ़िया थे. आई लव देम लिटरली. और वो वाला जो लस्सी मक्खन बनाने वाला, ये क्या है? फूड व्लॉगर्स किस लाइन में घुस रहे हो भाई आप? तो यार दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.